पार्ट थ्री है दोस्तों, ये चैप्टर थ्री चल रहा है क्लास एट की एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब का। पिछले वीडियो तक हमने निज कल्टीवेशन की बात की थी, यहाँ पे हम लोग रेवती सिस्टम की बात करेंगे। आप बोलोगे निज कल्टीवेशन क्या है, रेवती सिस्टम क्या है, तो देखिए इंडिगो को उगाने का तरीका, जो नील की खेती होती थी जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पे खेती जो नील की होती थी वो दो तरीके से होती थी, एक निज के अंदर होती थी, एक रेवती के अंदर होती थी। पिछली वीडियो मैंने बताया कि जो जमीन था, मान लीजिए 100 बीघा जमीन आपकी नील की खेती के अंदर आ रही है, तो 100 बीघे के 25% से कम होगी आपकी निज के अंदर। तो नील की खेती में दो कल्टीवेशन, निज रेवती। अगर टोटल 100 बीघा का खेत जोता जा रहा है तो 25% से कम, यानी 25 बीघा से कम निज के अंदर में होगा और बाकी होगा रेवती के अंदर में। तो कुल मिला के बात क्यों हुई कि रेवती टाइप ऑफ जो कल्टीवेशन था इंडिगो में, वो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। इस रेवती सिस्टम में होता क्या था, तो ये प्लांटर्स, प्लांटर्स पता है कौन है, मैं फिर से एक भाषा में बताता हूँ। प्लांटर्स वो लोग हैं जो या तो इंग्लैंड से आए हुए होते थे यहाँ धंधा करने के लिए, धंधा पानी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या फिर प्लांटर्स वो लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट बन के आए थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह। जब वो यहाँ पे आए तो उनको लगा कि भाई नील की खेती में ज्यादा पैसा है, तो उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी और यहाँ पे बिजनेस करना शुरू कर दिया। और कुछ इंडिया के गिने चुने लोग थे जो इन अंग्रेजों के चमचे हुआ करते थे, तो ये होते थे प्लांटर्स। ये प्लांटर्स रेवत से क्या बोलते थे, रेवत मतलब पीजेंट, फार्मर समझ लीजिए, रेवत से वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे जिसको बोला जाता था सट्टा, एग्रीमेंट होता था। इस सट्टे के अंदर या तो वो रेवत के ऊपर धमकाते थे या जो उस विलेज का हेडमैन था उसको धमकाते थे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा जाता था, पहली चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि हम रेवत को पैसे देंगे ताकि वो इंडिगो को उगाएं। अब ये पैसे किस लिए देंगे, तो भाई सीड्स खरीदनी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। जब भी किसी चीज की आप खेती कर रहे हो तो उसमें पैसा लगता है, इनपुट लगता है, तो उस इनपुट के लिए हम पैसा देंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन रियोस को। और रियोस की एक कंडीशन है कि मान लीजिए रियोस के पास 10 बीघा जमीन है, हालांकि किसी भी रियोस के पास 10 बीघा जमीन होती नहीं थी, बड़े गरीब फार्मर्स इनके पास बहुत कम कम जमीन होती थी, बट जितनी भी इनके पास जमीन है उसके 25% पे कम से कम ये लोग नील उगाएंगे। तो अगर 10 बीघे जमीन है तो कम से कम 2.5 बीघे पे ये लोग नील उगाएंगे, इतनी कंडीशंस पुट अप करी थी इन रेवत के ऊपर, समझ गए। अब देखिए अगर आप रेवत के पर्सपेक्टिव से देखो, यानी पीजेंट, रेवत मैं बोल रहा हूं तो आप पीजेंट समझिए, पीजेंट फार्मर, तो एक किसान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो किसान क्या सोचता है, किसान सोचता है कि मान लो मैंने कोई फसल उगाई, उस फसल को बेचा, मैंने पैसा कमाया। अब अगर तो वो फसल गेहूं चावल है, मक्का है, ठीक है, तो अगर वो फसल बिकी नहीं तो किसान उस फसल को अपने पास रख सकता है और अपने खाने पीने के लिए साल भर का स्टोरेज कर लेगा। तो गेहूं चावल वो अपने पास रख सकता है, बाद में उस गेहूं चावल का आटा बना के वो अपना खाना ना खा लेगा, अगर वो मान लो नहीं बिका तो। लेकिन नील की खेती में एक प्रॉब्लम थी, नील को खा तो सकते नहीं हो आप, तो अगर नील आपने उगाया अपने लैंड पे तो आपके पास एक ही चॉइस रहेगी कि उस नील को आप अंग्रेजों को बेचोगे। प्रॉब्लम ये थी अंग्रेज, और ये जो प्लांटर्स, अंग्रेज तो नहीं, ये जो प्लांटर्स थे, जो धंधे वाले थे, जो नील की खेती में इन्वॉल्व थे, ये बहुत कम पैसा देते थे इस नील को खरीदने का। तो जो फार्मर्स थे वो पहली बात तो इस नील को उगाना नहीं चाहते थे, दूसरी बात जब नील उगाया जाता था तो नील पूरे जो सॉयल था ना उसको चूस लेता था, मतलब लिटरली वो नील जो था वो सॉयल को चूस लेता था। एक बार अगर आपने नील उगा दिया तो जो सॉयल है वो किसी भी और चीज के लायक नहीं रहेगा। अभी इसके बाद मैं आपको इस सॉयल वाली चीज के ऊपर भी आऊंगा। तो कम से कम 25% जमीन पे आपको नील उगानी है। फिर सीड्स, ड्रिल्स, इन सब चीजें के लिए या तो पैसा देता था या प्लांटर खुद ही सीड देता था, ओके। कल्टीवेटर क्या करते थे, सॉयल को तैयार करते थे, सोत करते थे सीड्स को और क्रॉप्स को देखते थे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दोस्तों कुछ आदमी हैं जो कि नील की खेती में हार्वेस्ट कर रहे हैं नील के पौधे को। ये आप कह सकते हैं कॉलेस वर्दी ग्रांट की जो रूरल लाइफ इन बंगाल है उसकी फोटो 1860 में। ज्यादातर इंडिया में जो इंडिगो प्लांट था उसकी हार्वेस्टिंग मेन ही करते थे, वुमेन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ देखते हैं वुमेन लोग जो राइस और गेहूं की खेती होती थी वहां ज्यादा इन्वॉल्व होती थी, जो जो घर की फीमेल मेंबर्स हुआ करती थी उस टाइम पे। यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है कि भैया फील्ड से आपने इंडिगो प्लांट को काटा और आप फैक्ट्री में लेके जा रहे हो काम करने के लिए, तो देखिये इस बैलगाड़ियों पर चढ़ा के इस प्लांट को लगा के फैक्ट्री लेके जाया जा रहा है। आगे चलते हैं, इंडिगो को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये देखिए इंडिगो की नील की खेती, नील की एक फैक्ट्री नजर आ रही जहां पे इंडिगो बनाया जाता था, ठीक है। ये जो इंडिगो की फैक्ट्री थी वो ऑब्वियसली बात है मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाई थी, जहां पे इंडिगो को उगाया जाएगा, जहां पे नील को उगाया जाएगा उसके पास ही ये फैक्ट्री बनाई जाएगी, क्योंकि उस समय पे मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन थे नहीं।
तो ये पॉसिबल नहीं था कि नेल की खेती एक जगह हो रही है उससे 500-600 किलोमीटर दूर आपने फैक्ट्री लगा दी है, उसमें खर्चा बढ़ जाता था। क्योंकि जब आप नील को ट्रांसपोर्ट करोगे तो ट्रांसपोर्ट तो आप कर रहे हो बैलगाड़ियों में, अब बैलगाड़ियों में 500-600 किलोमीटर क्या जाओगे, अरे 500-600 छोड़ो 100 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना मुश्किल था बैलगाड़ियों में। तो ऑब्वियसली बात है जहां पे नील की खेती उसके पास ही नील की फैक्ट्री लगाई जाती थी। अब यहाँ पे नील की फैक्ट्री होती किस तरीके से थी, यहाँ पे आपको फर्मेंटिंग वैट नजर आ रही है, यहाँ पे आपको बीटर वैट नजर आ रही है। अब देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्मेंटिंग वैट थोड़ा ऊपर की तरफ है और ये बीटर वैट थोड़ा नीचे की तरफ है। पहले फर्मेंटिंग वैट में एक्टिविटी हो जाएगी, जब फर्मेंटिंग वैट में एक्टिविटी हो जाएगी तो उस लिक्विड को यहाँ पे अंदर एक छेद होगा जिसके थ्रू बीटर वैट में इसको ट्रांसफर किया जाता था। नहीं समझ में आया, अभी समझाता हूं। देखिए द इंडिगो विलेजेस वर यूजली फाउंड अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स थे जो धंधे वाले इन्वॉल्व थे इंडिगो खेती में वो इन इंडिगो की फैक्ट्रीज को ओन करते थे। इन इंडिगो की फैक्ट्रीज को खोलने के लिए ये लोग बैंकों से पैसा उठाते थे, बैंक में भी इसमें बिजनेस चलाते थे। एक तरीके की मॉडर्न इकोनॉमी शुरू हो गई थी इंडिया में अंग्रेजों के टाइम पे। ओके, क्या होगा, पहले आप इंडिगो की फैक्ट्री में जो वैट्स है वहां तक इस इंडिगो प्लांट्स को लेके जाओगे। 3-4 वैट की जरूरत होती थी डाई को बनाने के लिए। यहां पे जो कुछ भी लिखा है वो मैं आपको बता देना, फिर फिगर देख के भी समझाऊंगा। हर वैट का अपना अलग फंक्शन था। पहले क्या होता था, जो इंडिगो का प्लांट है उससे इंडिगो की पत्तियों को तोड़ा जाता था और उन इंडिगो की पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता था वैट में। इसको बोला जाता था फर्मेंटिंग वैट और स्टीपर वैट। इसमें गर्म पानी डाला जाएगा, इंडिगो की पत्तियां डाली जाएंगी और उसको गर्म होने दिया जाएगा कई घंटों तक। जब प्लांट्स फर्मेंट हो जाएंगे, जो लिक्विड है उसके अंदर जो पानी है वो उबलने लगेगा, बबल करने लगेगा, तो उसके अंदर की जो रॉटन लीव्स है ना, जो सड़ी हुई पत्तियां, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा और ये जो लिक्विड है इसको एक दूसरे वैट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो जस्ट इसके नीचे होगा। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना, ये जो फर्मेंटिंग वैप है, जो स्टीपर वैप है, वैट है, ये ऊपर की तरफ है। यहां पे इंडिगो की पत्तियां डाली गई, कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां 6 दिख रहे हैं आपको लाइन से। तो इसमें इंडिगो की पत्तियां डाली गई, पानी डाला गया और 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाले गए, इसको गर्म किया गया, फर्मेंट किया गया। जब ये उबलने लगा तो जो सड़ गई, जो इंडिगो की पत्तियां थी उनका काम खत्म हो गया, उनको किसी मैकेनिज्म से निकाल दिया और आगे इसके आगे नीचे कोई इनलेट लगा होगा उससे इस गर्म पानी को निकाल के इस बीटर वैट में लेके गए। अब बीटर वैट में क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, बीटर वैट में दो लोग कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीटर वैट में जो पानी है उसके अंदर घुस के लोग काम करते थे। कैसे काम करते थे वो बताता हूं मैं। इन द सेकेंड वैट नोन एज द बीटर वैट द सॉल्यूशन वॉज कॉन्टिन्यूअसली स्टर्ड एंड बीटन विद पैडल्स। पैडल्स दिख रहे हैं आपको, ये एक आदमी खड़ा था, ये उस समय का किसान है, पीजेंट है, और उसके हाथ में ये पैडल है। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat. Gradually indigo separated out in flakes, some muddy sediment settled at the bottom of the vat and a clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off from the sediment to the indigo pulp, transferred to another vat known as settling vat and then pressed and dried for sale. नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखिए एक और यहां पे पैराग्राफ पढ़िए, सब इकट्ठा समझाता हूँ। The vat beater, the indigo worker here is standing with the paddle that was used to stir the solution in the vat. These workers had to remain in waist deep, यानी कमर तक डूबे होते थे, water for over 8 hours to beat the indigo solution. अब देखते हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन के बाद वो पानी नीचे वाले वैट में आ गया। अब नीचे वाले वैट में क्या हो रहा है दोस्तों, लोग घुसे हुए हैं भाई, 8-8 घंटे तक लोग इस पानी में घुसे हुए होते थे। ये जो आपको यहां नजर आ रहे हैं ना दो दोस्तों, ये देखिए, ये एक आदमी है जो कि इस पानी के अंदर खड़ा है, 8 घंटे तक वो वहां पे इंडिगो के इस पानी को बीट करता रहेगा। इस जो जो इसको यहां पे ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया ना, इंस्ट्रूमेंट ऊपर दिखा रखा है, ये देखिए, इस फर्मेंटिंग वैट बीटर से वो बार बार जो उस लिक्विड है उस लिक्विड को चलाता रहेगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो लिक्विड अपने आप को पल्क में एक सॉलिड सब्सटेंस में चेंज करने लगेगा, ठीक है। और नीचे बहुत समय बाद हुआ ये कि फर्मेंटेशन के बाद जब हम लोग फर्मेंटेशन वैट में उस पत्तियों को गर्म कर रहे थे तो उन पत्तियों से इंडिगो निकल गया, वो पानी में आ गया। फिर पानी को ठंडा करके जब बीट किया गया तो वही इंडिगो धीरे धीरे नीचे सेटल होता गया सॉलिड के फॉर्म में और ऊपर क्लीन पानी निकलता गया। जब पूरा नीचे सेटल हो जाएगा वो सॉलिड के फॉर्म में तो ऊपर के पानी को निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के पहले में क्या हुआ, पत्तियों को गर्म किया गया। दूसरे वैट में क्या हुआ, बीट करते रहे तो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स इंडिगो के जमा हो गए, ऊपर क्लियर पानी रहा, क्लियर पानी को निकाल दिया गया। और इसके नीचे के जो
सॉलिड पार्टिकल्स जमा हुए हैं, इसको किसी और वेसल में ट्रांसफर किया गया, किसी और वैट में ट्रांसफर किया गया, जिसको बोला गया सेटलिंग वैट। वहां पे सॉलिड इंडिगो को दबाया गया, प्रेस किया गया, उसके बाद उसको ले जाके गर्म सन में ठंडा करते थे, और ठंडा होने के बाद इसको बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता था। यहां देखिए लास्ट प्रोसेस हो रहा है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर स्टैंपिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे स्टैंपिंग हो रही है, इंडिगो पल्प की कटिंग हो रही है। कई बार तो क्या होता था कि इंडिगो को एक किसी स्पेशल तरीके के वेसल में डाल के उसको प्रेस किया जाता था, उसको मोल्ड किया जाता था, एक पर्टिकुलर शेप में लाया जाता था, और उस शेप में वो जाके मार्केट में बिकता था। ये था दोस्तों इंडिगो को बनाने का पूरा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनस्टेकिंग था। जब ये क्रॉप बन के प्लांटर के पास जाती थी, जो ये धंधे को शुरू कर रहा था, तो वहां पे क्या होता था, प्लांटर बहुत कम पैसे देता था इस रियाद को, पैसे कम देता था, तो रियाद को ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं था, और एक नया लोन देता था ताकि नई क्रॉप इंडिगो की लगाई जाए। तो शुरू शुरू में तो पीजेंट्स को लगा कि भाई हमको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल रहे हैं प्लांटर से। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड पीजेंट को पता चला कि ये सिस्टम बहुत हार्श है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको एंड में कुछ बच नहीं रहा है, और बस वो लोन ही पे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी, ये जो प्लांटर्स थे ना दोस्तों, ये प्लांटर्स इस पीजेंट को फोर्स करते थे कि आप इंडिगो उस सॉयल में उगाइए जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। आप देखिए, एक एग्रीकल्चरलिस्ट, एक फार्मर के आप पर्सपेक्टिव से सोचो तो फार्मर क्या सोचेगा, फार्मर सोचेगा कि भाई जो क्रॉप सबसे ज्यादा काम की है मैं उसको सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉयल में उगाऊंगा। तो राइस, चावल को मैं अगर उगाता हूं तो चावल को मैं मार्केट में भी बेच सकता हूं, खुद भी खा सकते हैं, मेरे बच्चे खा लेंगे, हमारे पास साल भर का खाने के लिए रहेगा। अब नील तो खा नहीं पाएंगे। ये प्लांटर क्या बोलते थे इन फार्मर से कि भाई अगर आप नील उगा रहे हैं तो अपने सबसे बेस्ट फर्टाइल सॉयल्स में नील उगाइए। और नील की एक प्रॉब्लम थी, जब वो सॉयल में उगाया जाता था, सॉयल का जितना भी नूरिशमेंट होता था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते थे, वो चूस लेती थी वो नील, कुछ छोड़ती नहीं थी। और एक बार नील की खेती कर ली ना, तो वो सॉयल आपका राइस के लायक नहीं रहेगा। इस तरीके का सिस्टम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेपल डाइट है, जो खाने की चीजें हैं, वो तक तो मिल नहीं रही है। दूसरी बात, नील खा तो पाओगे नहीं, और तीसरी बात, अगर नील को उगा के बेच भी रहे हैं तो या तो कुछ प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। कुल मिला के इन रियोट्स को उल्लू बना दिया अंग्रेजों ने, और बहुत गदर उल्लू बनाया। और बाद में जो चीज होनी थी वो होगी, रिबेलियन होगा। रिबेलियन किसके अगेंस्ट होगा, नील की खेती के अगेंस्ट। और उस रिबेलियन के दौरान बहुत सारे गाने बनाए लोगों ने, उन गाने के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की कि जितने भी नील की खेती करने वाले हैं वो सब यूनाइटेड हैं इस नील की खेती के अगेंस्ट। बंगाल के विलेजेस में ये गाने बहुत फेमस थे। ज्यादातर ये जो नील की खेती हो रही थी ना, ये बंगाल में ही हो रही थी, क्योंकि देखिए उस समय पे ये बात चल रही है 1800 की शुरुआत, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की। तो उस समय की अगर ये बात है, और इनफैक्ट 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भी नहीं दोस्तों, 18वीं शताब्दी के एंड में ही नील की खेती होने लगी थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि कैसे जरूरत बढ़ गई थी, और बंगाल की जो नील थी इंग्लैंड में, 95% ऑफ द इंडिगो अवेलेबल इन इंग्लैंड वॉज फ्रॉम बंगाल। तो शुरुआत से ही नील की खेती शुरू हो गई थी बंगाल में। तो बाद में देखिए बंगाल में किस तरीके के गाने आने लगे, द लॉन्ग लाठीज वील्डेड बाई द प्लांटर ऑफ मोलाहाटी नाउ लाई इन अ क्लस्टर, The baboos of Calcutta have sailed down to see the great fight. This time the riots are all ready. They will no longer be beaten in silence. Or they will no longer give up their life without fighting the lathiyas. So kya hota tha? Ye jo planter hote the na, ye apne andar lathiyas ko hire karte the. Ye lathiyas dande leke wahan pe khade rehte the. Aur jo log planting mein involved the, jo peasants involved the, unko samay samay pe maarte the, unka shoshan karte the. Jab in peasants ne, in riots ne, in lathiyas ko रेजिस्ट करना शुरू किया, तब भैया बातें फैलने शुरू हुई। तो कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल्स, कलकत्ता के बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो सब गांव साइड पे आके देखने लगे कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है। गाने गाए जाने लगे अपनी यूनिटी को दिखाने के लिए, किसके अगेंस्ट में, इस इंडिगो की खेती के अगेंस्ट में। तो यहां देखते हैं, मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रियॉर्ट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। मार्च 1859 तक आते आते इस इंडिगो की खेती से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए, हजारों की तादाद में लोग खड़े हो गए और उन्होंने बोला हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो रियोट्स ने प्लांटर्स को उनका पैसा देने से मना कर दिया। इनफैक्ट जो इंडिगो की फैक्ट्रीज थी वहां पे अटैक करके तोड़ा फाड़ी शुरू कर दी। किससे अटैक किया, तो तलवारों से, स्पीयर्स, बो एरोस, जो प्रिमिटिव मींस ऑफ वेपन्स थे उनको पकड़ के गए वहां पे अटैक करने के लिए। औरतें भी सड़कों पर उतर आई पॉट्स, पैंस और किचन इंप्लीमेंट्स के साथ, वो भी लड़ने लगी।
हर तरीके से वो लोग जो किसी भी प्लांटर के लिए काम कर रहे थे, इंडिगो ओनर के लिए काम कर रहे थे, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। ओके, गोमस थास जिनको बोला जाता था एजेंट ऑफ प्लांटर्स, जब भी ये लोग पैसा लेने के लिए आते थे रियोस के पास, रियोस उनको डंडे मार के भगा दिया करते थे। होता था ना, जब भी इंडिगो का सीजन शुरू होता था तो उस सीजन से पहले ये जो प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को कुछ पैसा देते थे कि जाओ भैया अपना सीड सीड्स खरीदो, काम वाम खरीदो, सामान खरीदो और प्लांटिंग शुरू करो। उस पैसा को वापस लेने के लिए जब ये गोमस्ता पहुंचे तो पैसा वापस देने से मना कर दिया, उल्टा मारा और इन गोमस्तास को। ठीक है, जो लठियास आए इनके साथ भी ये लोग लड़ने लगे। लठियास समझ गए ना, लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर। अब आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों, आप लोग ये बोलोगे और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देखिए 18वीं शताब्दी के लेट टाइम से ये इंडिगो की खेती चल रही है, तो अगर 1780 से लेके 1859 का टाइम पीरियड माना जाए तो 1780 में अगर इंडिगो की खेती की शुरुआत मानी जाए और मान लीजिए 1859 में रिवॉल्ट हुआ, तो यार 79 ईयर्स बीत चुके हैं, इतना समय से ये इंडिगो की खेती हो रही है, इतना समय क्यों लग गया रिवॉल्ट में। तो देखिए जब भी कहीं पे ऑपरेशन होता है वो बहुत समय तक होता रहता है, जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन जब शुरू हो तो उसके शुरुआत में उसके खिलाफ आवाजें उठ जाए। आवाज तब उठती है जब कहीं से सपोर्ट आना शुरू होता है, और बंगाल में जो रायट्स थे ना इनको लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन से सपोर्ट आना शुरू हो गया। ये जो लोकल जमींदार थे, ये जो विलेज हेडमैन थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये प्लांटर्स यहाँ पे आके धंधा करके ये सब काम कर रहे हैं, इन जमींदारों का, इन प्लांट, इन विलेज हेडमैन का जो बिजनेस है वो ठप हो रहा था। ये जमींदार कोई दूध के धुले तो थे नहीं, विलेज हेडमैन कोई दूध के धुले तो थे नहीं, ये भैया टैक्स चूसते थे। अब चूंकि इंडिगो की खेती में पूरी तरीके से प्लांटर्स बीच में आ गए हैं तो जमींदार का रोल बचा नहीं, विलेज हेडमैन का रोल कम हो गया, इनकी औकात कम होने लगी, प्लस इन जमींदार और विलेज हेडमैन को अंग्रेज दोस्त कौड़ी की औकात नहीं देते थे, भगा देते थे देसी बोल बोल के। तो इन जमींदारों को लगता था कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो करें क्या, अब जमींदार सीधे सीधे तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे ही नहीं, मार दिए जाएंगे। तो जमींदारों ने क्या बोला कि भैया ये जो पीजेंट्स है ना, फार्मर्स है ना, इनको मोबिलाइज करते हैं और प्लांटर्स के खिलाफ एक रेबेलियन करवा देते। तो ये शुरुआत हुई इन सब चीजों की। तो जब इन इंडिगो फार्मर्स को, रेयॉट्स को ये लगा कि भैया हमें तो जमींदारों से और विलेज हेडमैन से सपोर्ट मिल रहा है, तब इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया प्लांटर्स की अथॉरिटी को। ये जमींदार कई कई बार तो विलेजेस में जा जाके भड़काते थे इन रियोट्स को, इन प्लांटर्स के अगेंस्ट में, और इसलिए नहीं भड़काते थे क्योंकि इन रियोट्स का भला चाहते थे, इसलिए भड़काते थे क्योंकि ये प्लांटर्स जमींदार की अपॉर्चुनिटीज को छीन रहे थे, जमींदारों का जो दबदबा होता था उस इलाके में उसको खत्म कर रहे थे और जमींदार अपना दबदबा मेंटेन रखना चाहते थे। तो एक पावर स्ट्रगल हो गया था, उस पावर स्ट्रगल के चलते जमींदार प्लांटर से चिढ़ने लगे थे। तो जमींदारों ने क्या किया कि पीजेंट्स को भड़का दो इनके खिलाफ, पीजेंट्स को भड़का दिया गया, रिवॉल्ट हो गया। अब देखिए इंडिगो पीजेंट्स को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी, क्योंकि इंडिगो पीजेंट्स को याद था कि अभी 1857 में ही रिवॉल्ट हुआ है, तो अभी 1859 चल रहा है, तो रिवॉल्ट अभी फ्रेश है। तो इन पीजेंट्स को ये लग रहा था कि भाई हमारी बात सुनेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई दूसरा रेबेलियन हो। बहुत सारे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे करके जो नील की खेती के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट है वो धीरे 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 आपका बढ़ रहा था। एक समय पे क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट थे एशले एडन, वो बरासात में थे, वहां पे उन्होंने जाके एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने रियोट से, पीजेंट से बोला कि देखिए आपके ऊपर किसी भी तरीके के इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स नहीं किया जाएगा। एक्चुअली में एशले एडन क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जो सिचुएशन थी वो बहुत एक्सप्लोजिव हो रही थी, किसी भी समय एक दंगे फसाद में बदल सकती थी, तो कोई दंगा फसाद ना हो जाए इसलिए एशले एडन चीजों को शांत करने के लिए जाके उन्होंने रियोट को क्या बोला कि भैया इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऊपर फोर्स नहीं किए जाएंगे। रायट्स ने क्या समझा, राइट्स के बीच में बात फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया ने बोल दिया है किसी भी तरीके का इंडिगो नहीं उगाया जाएगा। तो राइट्स को ये लगा कि जब ब्रिटेन की रानी ने ही बोल दिया है कि इंडिगो नहीं उगाया जाएगा तो ये प्लांटर्स कौन होते हैं हमसे इंडिगो उगवाने वाले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई क्वीन विक्टोरिया ने ऐसा ऑर्डर इशू नहीं किया था कि इंडिगो नहीं उगाया जाएगा। कुल मिला के रेबेलियन होना ही था। जब रेबेलियन होने लगा, अथॉरिटी से टकराने लगे लोग, अलग अलग जगहों पर रेबेलियन की न्यूज़ें जाने लगी, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कलकत्ता से आके इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में आ गए, वहां पे रोएट्स की क्या परेशानियां हैं उनके बारे में लिखा, प्लांटर्स किस तरीके का अत्याचार करते हैं इन रियोट्स में इनके बारे में लिखा, इंडिगो सिस्टम किस तरीके से गलत है इनके बारे में लिखा। भैया गवर्नमेंट को भी कुछ समझ में नहीं आया, इतना भयंकर रेबेलियन हो रहा था
गवर्नमेंट ने सोचा करें तो करें क्या। अब ये जो प्लांटर्स थे ये गवर्नमेंट के खास थे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांटर्स तो ब्रिटेन से आए थे सीधे धंधा करने इंडिया में, बहुत सारे प्लांटर्स तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस में थे, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही थी, वो ब्रिटेन की आर्मी थी, तो ब्रिटेन की आर्मी में थे, ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो ब्रिटेन का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के इस धंधे में आए थे, तो ये प्लांटर्स तो गवर्नमेंट के सगे थे ना, इनको तो बचा नहीं था, तो मिलिट्री को बुला लिया। एंड में सॉल्यूशन ये बनाया गया कि भाई इंडिगो कमीशन बैठा दो, और ये इंडिगो कमीशन लोगों की परेशानियों को सुनेगा जो इंडिगो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भैया कमीशन ने बहुत सारे इंडिगो फार्मर्स के साथ बैठ के बात की, प्लांटर्स के साथ बैठ के बात की, और फाइनली जब इंडिगो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो बोला कि देखिए प्लांटर्स गलत हैं। प्लांटर्स को क्रिटिसाइज किया गया कि ये गलत तरीके से इंडिगो कल्टीवेटर्स को दबा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, ये जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये रियॉट्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए इस कमीशन ने रियॉट्स को बोला कि जो ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं किसी प्लांटर्स के साथ, आप उसको पूरा करो, उसके बाद आप किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो वो ना करो वो आपकी मर्जी, यानी जो करंट साइकिल ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन चल रही है इसको आप पूरा कर दो, इसमें जो भी आपके ऊपर कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस है आप इन्हें पूरा कर दीजिए, बाकी बाद में आपको नहीं करना है तो आप मत करिए। यहाँ पे हादजी मुल्ला करके एक इंडिगो प्लांटर था, इसके साथ इंटरव्यू किया था इस इंडिगो कमीशन ने, तो उस इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हादजी मुल्ला साफ साफ बोल रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन नील की खेती नहीं करूंगा। तो इसके बाद इस रिवॉल्ट के बाद नील की खेती बंगाल में बहुत कम हो गई। तो जब नील की खेती बंगाल में कम हो गई तो फिर क्या करेंगे ये प्लांटर्स, ही बिहार चले जाएंगे। ठीक है, बंगाल में तो बवाल हुआ, बिहार में तो ना, वो तो बिहार में चले गए। उस समय पे क्या हुआ कि जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई बनी, जर्मनी में सिंथेटिक डाई जब बन गई लेट 19th सेंचुरी में, तो यूरोपियन मार्केट्स में जो इंडिया की इंडिगो थी उसकी डिमांड कम हो गई। पहले क्या था कि इंडिया की इंडिगो से ही यूरोपियन मार्केट की डिमांड पूरी हो रही थी, बाद में जब जर्मनी में एक अलग सिंथेटिक डाई बन गई तो इंडिया की इंडिगो की रिक्वायरमेंट्स कम हो गई, तो उसके बाद प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से प्रोडक्शन को चलाते रहे क्योंकि यूरोप फिर भी इंडिगो की डिमांड थी, इंडिगो का बिजनेस तब भी प्रॉफिटेबल था, हालांकि उस लेवल पर प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि पहले इंडिगो की मोनोपली थी, जब जर्मनी की सिंथेटिक डाई बन गई तो इंडिगो की मोनोपली खत्म हो गई, कॉम्पिटिशन आ गया मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि 1859 में जब ये रिवॉल्ट हुआ इंडिगो का उसके बाद इंडिगो की प्रोडक्शन बंद हो गई, उसके बाद भी इंडिगो की प्रोडक्शन चलेगी, 20th सेंचुरी तक चलेगी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होगा, राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी महात्मा गांधी के पास जाके बोलेगा गांधी जी हमारी मदद करिए, चंपारण के किसान बहुत परेशान है, नील की खेती से चल के उनकी बातों को सुनिए, और फिर गांधी जी चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आगे एनसीईआरटी में भी बताऊंगा। तो नील की खेती के आगे इसमें जो भी अत्याचार हुए हैं वो यहां मैंने आपको दिखाए। अच्छा, क्या नील की खेती केवल इंडिया में होती थी? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रांस ने जो अपनी कॉलोनी थी वेस्ट इंडीज में वहां पे भी नील की खेती शुरू कर दी। ओके, तो एक फ्रेंच मिशनरी था जीन बैप्टिस्ट लबार्ट, वो कैरेबियन आइलैंड्स गया अर्ली 18th सेंचुरी में, उसने बताया कि कैसे वहां पे नील की खेती होती थी। यहां देखिए सेंटर में फ्रेंच खड़ा हुआ है और वो नील की खेती देख रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक पीपल है वो देखिए किस तरीके से खेती कर रहे हैं, एक पर्सन जो इंडिगो की क्रॉप है वो यहाँ पे डाल रहा है, ये वो फर्मेंटेशन वैट्स हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन वैट्स, बीटिंग वैट्स, उसके बाद जो चीज सूख रही है सूखने के बाद उसको यहाँ पे मोल्ड में डाला जा रहा है, मोल्ड के बाद कुछ लोग देखिए इसको कैरी करके ले जा रहे हैं। एक्चुअली में इंडिगो बनाने का जो प्रोसेस है वो यही है, बस यहाँ फ्रांस में हो रहा है और बंगाल में इंडिया में हो रहा था। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि यूरोप में वोड नाम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, वोड नाम के प्रोडक्ट को कंपटीशन देने के लिए क्या आया, इंडिगो आया। इंडिगो टेम्परेट रीजन्स में ग्रो होता नहीं है, तो इंडिगो केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स या तो इंडिया में था, अब फ्रांस की कॉलोनी के अंदर जहां जहां भी ट्रॉपिकल रीजन्स अवेलेबल थे वहां पर उन्होंने इंडिगो की खेती शुरू कर दी, तो वेस्ट इंडीज में इंडिगो की खेती शुरू कर दी। तो ये नील की खेती के चलते पूरी दुनिया के लोगों को दबाया गया है, ना केवल इंडिया के लोगों को, जितनी भी कॉलोनीज थी जो कि कॉलोनियल पावर्स के अंदर थी, इंग्लैंड के अंदर थी, आपका फ्रांस के अंदर थी, जर्मनी के अंदर थी, वहां पे इस तरीके की खेती हुआ करती थी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।